नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सरकार ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को बदल कर सीमाओं को बढ़ा दिया है, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से कम है उन्हें छोटी कंपनी माना जाएगा। इसके साथ ही कारोबार की सीमा को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी अब टर्नओवर के 40 करोड़ से कम होने पर नियमों में छूट मिलेगी। नई परिभाषा आने से अब अधिक संख्या में कंपनियां छोटी कंपनी की श्रेणी में आ जाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब अपनी किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। लालू के वकील अनंत विज ने 13 सितंबर को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका दायर की थी। सीबीआई ने 16 सितंबर को याचिका पर सुनवाई के दौरान इसके विरोध में मौखिक आपत्ति दर्ज की, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज कर दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी आज राहुल गांधी और रामानंद यादव के मामले में पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। सुशील मोदी ने कहा कि मेरा भी टाइटल मोदी है और उनके इस बयान के बाद मैं कहीं भी बाहर निकला तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि सारे मोदी चोर हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के यह कहने के एक दिन बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें महाराष्ट्र के लिए वेदांत फॉक्सकॉन संयंत्र से बड़ी परियोजना का वादा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि वादा एक रोते हुए बच्चे को एक बड़ा गुब्बारा देने जैसा है, इसमें महाराष्ट्र का कोई सम्मान नहीं है और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि इस मामले पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हम भारत को एक विनिर्माण हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम प्रति क्षेत्र में नवाचार का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप है, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हवाई सफर करने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर अगस्त तक 770.70 लाख यात्रियों ने सफर किया है, जबकि इस दौरान पिछले वर्ष 460.45 लाख यात्रियों ने सफर किया था। वर्षवार ग्रोथ 66.70% है, जबकि माहवार ग्रोथ 50.96% है। कमलनाथ के करीबी वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अरुणोदय चौबे ने पीसीसीए चीफ कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने लिखा, मैं करीब 30 साल से निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हाल ही में खुड़ोई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो भी बर्ताव हुआ उसमें मैं स्वयं और खुड़ोई विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता दुखी है। मैं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी जिला टीकमगढ़ और प्रदेश कांग्रेस के सदस्य सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय के प्रति प्यार हमेशा दिख जाता है। रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन के जारी वीडियो में ट्रंप भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त नारे का अभ्यास करते दिख रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप शिकागो के कारोबारी एवं आरएसएससी के सदस्य सलभ कुमार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। यह नया नारा ट्रंप के 2016 के अब की बार ट्रंप सरकार नारे से प्रेरित दिखाई दे रहा है। दिन के ट्रेड में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल संकेतों और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 1,100 अंक नीचे जा फिसला है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल सेंसेक्स 1,039 अंकों की गिरावट के साथ 58,892 तो निफ्टी 325 अंकों की गिरावट के साथ 17,551 अंकों पर कारोबार कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने समरकंद पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सम्मेलन के इतर बैठक की है। इन बैठकों में उन्होंने पाकिस्तान में आई बाढ़ का दुखड़ा रोया और मदद के लिए हाथ भी फैलाए। अपनी बैठकों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि सम्मेलन का पहला दिन काफी बड़ा था लेकिन काफी प्रोडक्टिव रहा। इस दौरान मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। वहीं पीएम मोदी देश को अब मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि भारत का युवा और वर्कफोर्स उसे स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटेटिव बनाता है। अर्थव्यवस्था में 75% वृद्धि की आशा है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से सबसे ज्यादा है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खस्ते हालात का पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने खुलासा किया है। शाहिद अफरीदी ने बताया है कि साहिन शाह अफरीदी अपने खुद के खर्चे पर इलाज कराने इंग्लैंड गए हैं। उन्होंने अपने खाने पीने से लेकर खुद के टिकट का भी खर्चा उठाया है और उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम उन्होंने भी खुद ही किया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने शुक्रवार को पतंजलि समूह की कंपनियों के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में 4 IPO लाकर पतंजलि समूह की 5 कंपनियों को लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि पतंजलि फूड्स के बाद हमारा लक्ष्य अपनी 4 अन्य कंपनियां पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेडिसिन और पतंजलि लाइफस्टाइल के IPO लाने का है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर एक बार फिर राजनीति गर्म होने लगी है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, दिल्ली देश की राजधानी है और हर दिल्लीवासी चाहता है कि दिल्ली सुंदर बने। यदि बाहर से कोई आए तो उन्हें लगे कि अच्छे देश की अच्छी राजधानी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन सफाई बहुत खराब है। चारों तरफ कूड़ा है, थोड़ी शर्म भी आ जाती है, लेकिन दिल्ली गंदा क्यों है? प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार चीनी लोन एप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बताया कि इस सप्ताह छापेमारी के बाद इस बज रेज रेप क्रैशफी और पेटीएम के वर्चुअल खातों के जरिए जमा 46.66 करोड़ रुपए को जब्त किया गया है। ईडी ने जानकारी दी कि इस बज प्राइवेट लिमिटेड पुणे के पास कुल 33.36 करोड़ रुपए, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के 1.28 करोड़ रुपए, रेज रेप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर के 8.21 करोड़ रुपए और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली के 1.11 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। केरल के कालीकट विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से जुड़ी किताब मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को डिस्प्ले से हटाने पर हंगामा हो गया है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में तालिबानवाद नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने कहा, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने भारत के संविधान और देश की लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री है, भाजपा विश्वविद्यालय की अथॉरिटीज का तालिबानवाद नहीं होने देगी। 70 साल बाद देश की धरती पर कदम रखने जा रहे जंगल के सबसे बड़े योद्धा चीता के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के थानों में मौजूद बाइक पेट्रोलिंग ट्रंप के अब चीता मोबाइल। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज यह ऐलान किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बताया कि अब MP पुलिस के 2-व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन चीता मोबाइल के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस के जितने भी 2-व्हीलर वाहन है उन सब पर एक रूपता लाते हुए चीता लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक निर्देश की मांग की है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अदालत में निर्णय के लिए आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जनहित याचिका याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक निर्देश की मांग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अदालत में निर्णय के लिए लाना चाहिए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 1 महीने से भी कम समय में एक और अरबपति को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स के मुताबिक 155.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी ने यह मुकाम हासिल किया है। अब अडानी से आगे सिर्फ टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क हैं। अडानी उन 5 अरबपतियों में से एक है जिनकी कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का BJP में विलय करने की तैयारी कर ली है। 19 सितंबर को दिल्ली में BJP कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में कैप्टन पंजाब पीपुल्स कांग्रेस BJP के विलय की घोषणा करेगी और BJP की शुरुआती सदस्यता लेगी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन पूर्व विधायकों के अलावा उनकी बेटी जयेंद्र कौर, बेटा रमिंदर सिंह और पोता नरवान सिंह भी BJP में शामिल हो सकते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अंबेडकर और मोदी सुधारकों के विचार परफॉर्मेंस इम्प्लीटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अंबेडकर के कार्यों, जीवन और उपलब्धियों को दर्शाती है। यह कार्यक्रम नेहरू मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी खेल, युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी।
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर को लेकर राम गोपाल वर्मा ने बयान दिया है। खबर के मुताबिक राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि फिल्म लाइगर के प्रचार के दौरान विजय देवरकोंडा के आक्रामक बयानों की वजह से फिल्म लाइगर पर निगेटिव प्रभाव देखने को मिला। साउथ सिनेमा के अन्य सुपरस्टार जैसे प्रभास, रामचरण, अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR की अपेक्षा विजय देवरकोंडा हिंदी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पैदा हुए नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अन्य योजनाओं में 720 किलोग्राम मछली बांटना भी शामिल है। खबर के अनुसार चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना गया है, जहाँ पीएम के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। BSP प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से BJP पर हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया है कि BJP सिर्फ बुलडोजर, मदरसा सर्वे और धार्मिक उन्माद फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, UP सरकार जिन मुद्दों में उलझी है वो राज्य के व्यापक हित, जनहित, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेदारी के प्रति कितना उचित और लाभकारी है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली वेदांता फॉक्सकॉन योजना अचानक ही महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसी दो और फैक्ट्री लगाने का दिलासा देकर मामले को शांत करने की कोशिश हो रही है। गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। राघव चड्ढा ने ट्वीट के जरिए कहा है कि गुजरात बदलाव चाहता है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। BJP के 27 वर्षों के कुशासन के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। राघव चड्ढा ने पंजाब विधानसभा चुनाव की जीत में भी पार्टी के लिए बड़ा रोल प्ले किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में 1.5 करोड़ रुपए का दान किया। इस दौरान उनके साथ एनकोर हेल्थकेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट और RIEL के अन्य अधिकारी मौजूद थे। अधिकारी ने कहा कि अंबानी ने पूजा अर्चना के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी ए वेंकट धर्म रेड्डी को 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। टेनिस के महान खिलाड़ी 41 वर्षीय रोजर फेडरर ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए गुरुवार को अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ऐलान में कहा कि अगले महीने लंदन में होने वाला लेवर कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। फेडरर के संन्यास के ऐलान के बाद पूरा खेल जगत भावुक हो गया है। सभी भविष्य के आगे के करियर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी शुक्रवार सुबह से शुरू होगी। ई नीलामी में इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा सहित 1,222 उपहारों और स्मृति चिन्हों को शामिल किया गया है। समय राम दरबार, अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति, शिवजी का विशाल त्रिशूल, लोक कलाओं पर आधारित पेंटिंग्स और खेल संबंधित उपकरण शामिल हैं। ताजमहल पर अमेरिकी कंपनी स्टार्की के अधिकारियों ने गुरुवार को कंपनी की नई कान की मशीन को लॉन्च किया। कंपनी के 3 अधिकारियों ने बॉक्स खोलकर अपने हाथ में हियरिंग एंड का ताजमहल के सामने डिस्प्ले किया। इस संबंध में ASI के साथ ही CISF से रिपोर्ट तलब की है। ताजमहल में प्रमोशनल एक्टिविटी पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर एड शूट किया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश कुमार, शीला कमती, नन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, अखिलेश यादव, KK सिन्हा, रवि शंकर, रंजीत कुमार ठाकुर, अर्जुन राम, ब्यूटी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में आपको उनकी कौन सी योजना ज्यादा फायदेमंद लगी? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।